आप लोगों ने जिन्होंने टी शर्ट पहन रखी है चौकीदार वाली, और आप प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में ही पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, मिल गया। अरे भाई, किसी को तो मिला होगा। अखबार में आता था नरेंद्र मोदी ने लाखों बैंक अकाउंट खोले, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला क्या? कोई है यहां पे जिसके बैंक अकाउंट में चौकीदार जी ने 5-10 रुपया डाला हो? कोई एक है? कोई नहीं ना। अच्छा बताओ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, हर भाषण में बोलते थे भैया चौकीदार वाले लोग, आप में से किसी को दिया रोजगार नरेंद्र मोदी जी ने? आपको किसी ने दिया? मोदी जी ने किसी को दिया यहां पर रोजगार? नहीं। अच्छा, किसानों की बात करते हैं, किसानों को सही दाम दिया नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं। तो चलो 15 लाख से शुरू करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था, उनके भाषण मैंने भी सुने, और उन्होंने कहा, उनके जो प्रेसिडेंट हैं अमित शाह जी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये तो भाई और बहनों जुमला था, हमने 15 लाख की बात बोली थी मगर वो तो ऐसे ही बोली थी, जुमला था। तो मैंने सोचा चलो पता लगाते हैं क्या भैया, थोड़ा हट जाए तो लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाए। हां, तो मैंने सोचा चलो पता लगाते हैं, 15 लाख के बारे में पता लगाते हैं, 15 लाख किया जा सकता है हां या ना। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, उनसे कहा कि आइए मेरे साथ चाय पीजिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आए। कमरे में बैठाया मैंने उनसे, सवाल पूछा, भैया एक बात बताओ, मोदी जी चौकीदार जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, झूठ था? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं चाहूं तो बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट किए कितना पैसा, कितने रुपए गरीबों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है? मैंने पूछा। कहते हैं राहुल जी आप कितने लोगों की बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। कहते 25 करोड़ लोगों को आप पैसा देना चाहते हो? मैंने कहा हां, 25 करोड़ लोगों को मैं पैसा देना चाहता हूं। राहुल जी आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा किसी सरकार ने पहले नहीं किया। इतना पैसा किसी भी सरकार ने जनता को नहीं दिया। मैंने कहा ठहरो भैया, ये आपने कैसे बात कर दी? नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, और यहां आपका फेवरेट स्पेशल आदमी ललित मोदी, उसको भी हजारों करोड़ रुपए दिया। तो आप कैसे कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने पैसा नहीं दिया? नरेंद्र मोदी ने दबा के पैसा दिया, मगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों को दिया। अब मैं चाहता हूं जितना पैसा चौकीदार ने इन 15 लोगों को दिया
उससे डबल पैसा मैं उठा के 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालूं। फिर मुझसे पूछते हैं, राहुल जी ठीक है 25 करोड़ लोगों को आप पैसा देना चाहते हो, कितना पैसा देना चाहते हो? मैंने उनसे कहा आप पता लगाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट किए, वो नंबर आप मुझे बता देना। वापस आओगे बिना नंबर बताना, थ्योरी लेकर किताब लेकर बताना, मुझे नंबर चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठा नंबर दिया था, आप मुझे सच्चा नंबर लेके ला के दो। ठीक है राहुल जी गए, 4 महीने बाद पूरी की पूरी टीम आती है, कागज पे नंबर लिख देते हैं 72,000। नहीं नहीं अभी ठहर जाओ भैया, मैंने एकदम बात पकड़ी, मैंने कहा 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में, 72,000 से नहीं चलेगा, आप इस कागज पर लिखिए कितने लोगों को और कितने टाइम में। कहते हैं राहुल जी आपने 5 करोड़ परिवारों की बात की थी, 25 करोड़ लोगों की बात की थी, 72,000 रुपए 25 करोड़ लोगों को एक साल के अंदर हर साल। एक साल 72,000 रुपए, आप सोचिए हिंदुस्तान के गरीब लोग, चुरू के गरीब लोग आप सोचिए, किसानों आप सोचो, 72,000 रुपए साल के, 3,07,000 रुपए 5 साल के, चुरू में लाखों लोगों को, किसानों को, मजदूरों को डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर 3,07,000 रुपए। ऐसी बात आप सोच भी सकते हो? ऐसी बात आप सोच भी सकते हो कि हिंदुस्तान की सरकार के पास 5 करोड़ परिवारों को 3,07,000 रुपए देने के लिए पैसा है? यह हिंदुस्तान की सच्चाई है भाइयों और बहनों, झूठ 15 लाख, सच्चाई 3,07,000। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी करके बोल रहा हूं, ऊपर की ओर देखो आसमान फट जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3,07,000 रुपए बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। अब आप पूछोगे क्यों, इसका लक्ष्य क्या है, मैं आपको बताता हूं। मगर उससे पहले एक बात कहूंगा, थोड़ा गुस्सा मत होना मुझसे, मैं सच्चाई पहले ही कह देता हूं। आप लोगों ने टी शर्ट पहन रखी है, बड़ी सुंदर टी शर्ट है चौकीदार। अब देखिए, अब आप में से मुझे आपके साथ एक भी महिला खड़ी नहीं है, मगर मुझे इस भीड़ में महिलाएं दिख रही हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं, और मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं गुस्सा मत होना भाइयों, 3,60,000 रुपए 5 साल के महिलाओं के खाते में जाने वाले हैं। बाद में मुझे मत कहना कि ये क्या कर दिया, बाद में मत कहना, मैं पहले ही बता रहा हूं महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, सबसे ज्यादा चोट चौकीदार ने हमारी माताओं बहनों को मारी थी, इसीलिए न्याय योजना, इसीलिए न्याय योजना डायरेक्ट महिलाओं के खाते में जा रहा है। मगर न्याय योजना के 2 लक्ष्य, एक गरीबों के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना,
मगर दूसरा भी लक्ष्य, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब में से पैसा निकाला। जैसे ही उन्होंने चुरू के गरीब लोगों के जेब से पैसा निकाला, किसानों के जेब से पैसा निकाला, मजदूरों के जेब से पैसा निकाला, वैसे ही चुरू की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, बाकी प्रदेशों की जनता ने माल खरीदना बंद किया। पहले आप शर्ट पैंट जूता मोबाइल फोन खरीदते थे, जैसे नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाला वैसे आपने कहा भैया पैसा नहीं है, माल खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका पड़ा, दुकानों ने माल बेचना बंद किया, और उससे भी जरूरी हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिकों ने चुरू के युवाओं को बुलाया, फैक्ट्री में काम करते थे उनसे कहा देखिए अब फैक्ट्री में हम आपको रोजगार नहीं दे पाते, नहीं दे सकते, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, माल कोई बेच खरीद नहीं रहा है, दुकानों में बिक नहीं रहा है, हम फैक्ट्री नहीं चला सकते, आप वापस जाइए। और लाखों युवाओं को नरेंद्र मोदी की नोटबंदी ने, गब्बर सिंह टैक्स ने बेरोजगार किया। अब जैसे ही भाई और बहनों 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, जैसे ही शुरू होगा, जैसे डीजल के इंजन में, ट्रक के इंजन में डीजल जाता है, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में डीजल जाएगा, न्याय योजना का पैसा। जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, जैसे ही पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा, युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, एकदम किसान और युवा माल खरीदना शुरू करेंगे। एकदम एक सेकंड में किसान जाएगा, कहेगा, दुकान में जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, बेरोजगार युवा शर्ट खरीदेगा, मोबाइल फोन खरीदेगा। जैसे ही आपने माल खरीदना शुरू किया, वैसे ही दुकान माल बेचना शुरू करेंगी। जैसे ही डिमांड बनेगा, जैसे ही माल बिकना शुरू होगा, झटके से हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जादू से कड़ाक माल बनाना शुरू कर देंगी। और जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगी, चुरू के युवाओं को उन्हीं फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियों के मालिक बुला बुलाकर रोजगार देंगे। 2 लक्ष्य न्याय योजना का, एक युवाओं को रोजगार देना, फैक्ट्रियों को चालू करना, और दूसरा गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना। अब मध्यम वर्ग के लोग आप सुनिए, मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं, दुकानदार आप सुनिए, छोटे बिजनेस वाले आप सुनिए, किसान आप सुनिए, न्याय योजना से मध्यम वर्ग, न्याय योजना को चलाने के लिए मिडिल क्लास से, मध्यम वर्ग से, हिंदुस्तान के दुकानदारों से टैक्स में एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। दुकानदारों के जेब में पैसा आएगा, किसानों के जेब में पैसा आएगा, युवाओं के जेब में पैसा आएगा। अब आप पूछोगे भाइयों पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं। अब मैं आपको इनकी ओर ले जाता हूं, ये जो चौकीदार वाली शर्ट पहने हैं, भाइयों और बहनों पैसा अनिल अंबानी जैसे चोरों के जेब से आएगा। ललित मोदी जिसने वसुंधरा जी के पुत्रों को करोड़ों रुपए दिए उसके बैंक अकाउंट से आएगा, नीरव मोदी मेहुल चौकसी उनके बैंक अकाउंट से आएगा, मगर मध्यम वर्ग के बैंक अकाउंट से नहीं आएगा, दुकानदारों के बैंक अकाउंट से नहीं आएगा, छोटे मिडिल साइज बिजनेस और ईमानदार बिजनेस वालों के जेब से नहीं आएगा। अब चलिए थोड़ी सी मैं पानी की बात करता हूं। गहलोत जी ने आपसे कहा कि आपकी जो पानी की समस्या है उसे वो हल करने जा रहे हैं, कहा आपने गहलोत जी, मतलब यहां से कह दिया तो फिर
गारंटी है ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेज नहीं है कि यहां से कुछ भी बोलना है बोल दो। अब चलिए किसानों की बात करते हैं। किसानों की लड़ाई, किसानों के साथ पहले मैं भट्टा परसौल में खड़ा हुआ, आपकी जमीन की लड़ाई लड़ी, जमीन अधिकरण बिल दिया आपको, आपके आपसे बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती और आपको चार गुना ज्यादा मार्केट रेट से मिलता है। कांग्रेस पार्टी लड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने आपके बिल को रद्द करने की कोशिश की। चुनाव में विधानसभा में हमने कहा 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, 2 दिन के अंदर हमने कर्जा माफ करने का काम शुरू कर दिया। मगर मैं वहां नहीं रुकना चाहता हूं, मैं आपको 2 आज ऐतिहासिक निर्णय, न्याय योजना से कम नहीं, न्याय योजना जैसे मैं आपको 2 निर्णय के बारे में बताना चाहता हूं। मैनिफेस्टो बन रहा था, मैंने स्वयं किसानों से बात की, हमारे लोगों ने हजारों किसानों से बात की, चुरू के किसानों से बात की और आपसे पूछा भैया सरकार आने वाली है कांग्रेस पार्टी की, आप बताओ, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, आप जो आपके मन में है, आपके दिल में है, वो आप हमें बताइए, ऑर्डर दीजिए, हम आपके लिए करके दिखाएंगे। अब देखिए सुनिए किसानों ने कितनी सुंदर बात कही हमसे। पहले एक सवाल हमसे पूछा, राहुल जी एक बात बताइए, ये अनिल अंबानी है, ये 45,000 करोड़ रुपए सरकार के बैंक से पैसा ले गया, कर्जा लिया वापस नहीं दिया, राहुल जी ये जेल के अंदर है या बाहर? हमसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, अनिल अंबानी जेल के अंदर या बाहर? बाहर। मेहुल चौकसी अंदर या बाहर? बाहर। विजय माल्या अंदर बाहर? नीरव मोदी अंदर बाहर? ठीक है। अब चुरू का कोई किसान 20,000 रुपए बैंक से लोन लेता है, सूखा पड़ता है, किसी ना किसी कारण ईमानदार किसान 20,000 रुपए वापस नहीं दे सकता, तो चुरू का किसान कर्जा ना लौटाने के लिए बाहर होता है या अंदर? अंदर। किसान ने हमसे यह सवाल पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि बताइए ये चोर अनिल अंबानी 35,000 करोड़ रुपए ले जाता है, ये लंदन के चक्कर काटता है, हम 20,000 रुपए लेते हैं, हम वापस नहीं देते, हमें जेल में डाल देते हैं। राहुल जी क्या ये आपको सही लगता है? और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुरू की जनता, चुरू के किसान, क्या ये आपको सही लगता है? ना, इस देश में कोई नहीं कह सकता है कि हमें ये सही लगता है, इस देश में कोई नहीं कह सकता है कि ये न्याय है, और इसीलिए हमने आपके लिए, चुरू के किसान के लिए एक नया कानून तैयार किया है। अच्छी तरह सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, चुरू का कोई भी किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कहीं का भी कोई भी किसान, चुरू छोड़ो बाकी हिंदुस्तान का कोई भी किसान, बैंक लोन ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। ले ओ, और मैं नरेंद्र मोदी को मैसेज देना चाहता हूं, मोदी जी आप चाहते हो कि 20,000 रुपए के लिए चुरू का किसान जेल जाए, तो फिर आप 35,000 करोड़ रुपए के लिए उसको अंदर करो, और जब तक वो 35,000 करोड़ रुपए के लिए अंदर नहीं जाएगा,
चुरू का कोई भी किसान 20,000 रुपए के लिए अंदर नहीं जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय, धमाका। अब दूसरा सुनो, उतना ही बड़ा हिंदुस्तान के किसान ने हमें कहा, राहुल जी बड़े बिजनेस वाले प्लानिंग करते हैं, उनको साल की शुरुआत में ही पता लग जाता है कितना पैसा आएगा, बजट बनता है। हम टीवी पे देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति बजट के समय पैड लेके लिखते हैं, हमारा इतना टैक्स माफ होगा, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। राहुल जी, हम भी पार्लियामेंट हाउस में गैलरी में बैठकर हिंदुस्तान के किसान भी अपना बजट देखना चाहते हैं, हम भी प्लानिंग करना चाहते हैं। राहुल जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के चुरू के किसानों के लिए भी आप एक बजट बनाइए। 2019 के चुनाव जीतने के एकदम बाद भाइयों और बहनों, चुरू के किसानों, हिंदुस्तान में दो बजट बनने वाले हैं। पहला बजट, दूसरा नहीं भाइयों और बहनों, पहला बजट किसानों का स्पेशल बजट बनेगा। नेशनल बजट के बाद नहीं, नेशनल बजट के पहले हिंदुस्तान के किसान को बताया जाएगा कि इस साल आपके लिए आपकी सरकार इतना पैसा देने जा रही है, इस साल आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, इस साल आपका इतना कर्जा माफ होगा, इस साल इस प्रकार के कारखाने आपके जिले में लगेंगे, आलू चिप्स बनाने वाले, केचप बनाने वाले, सोयाबीन के तेल बनाने वाले इतने कारखाने लगेंगे, अगर आंधी आएगी, तूफान आएगा तो इतना कॉम्पेंसेशन, इतना मुआवजा मिलेगा, बीमा में इतना पैसा आपको मिलने वाला है, पूरा पूरा पहले शुरुआत में दूध का दूध, पानी का पानी। और मैं आपको बता रहा हूं 2019 की, ये देखिए, याद रखिए मेरी बात, 2019 में किसानों का बजट बनेगा। आप लोकसभा की गैलरी में देखना, हिंदुस्तान के किसान वहां आपको दिखाई देंगे अपने बजट को देखते हुए कि हां, हिंदुस्तान की सरकार ने हमारे लिए स्पेशल बजट बनाया है। हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं, दर्द मिटाना चाहते हैं, और जो आप हमें कहोगे, जो आप हमें कहोगे, हम आपको पहले सीधा बता देंगे, देखो भैया करा जा सकता है, मैं सीधा बता दूंगा। आप मुझे कहो, मेरे ऑफिस में आओ, मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे कहो राहुल जी हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दीजिए, मैं पहला आदमी हूंगा जो आपसे कहेगा नहीं डाला जा सकता, 15 लाख नहीं डाल सकता हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोलने वाला हूं, मगर मैं पता लगाऊंगा। अगर आप मेरे पास आए कहोगे 15 लाख डालना है, मैं कहूंगा ठहरो, मुझे 2-3 महीने दो, मुझे काम करने दो, मुझे पता लगाने दो, मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। और 3-4-5 महीने बाद मैं आपके पास आऊंगा, कहूंगा भैया 15 लाख नहीं कर सकते, मगर 3,60,000 किया जा सकता है, मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं। अब युवाओं की बात, जैसे हमने किसानों से बात की वैसे हमने युवाओं से बात की, और युवाओं ने हमें कहा देखिए आप 2-3 चीजें पता कीजिए, पहले आप पता कीजिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आप न्याय योजना की बात कर रहे हो, लाखों करोड़ों युवाओं को न्याय योजना का फायदा मिलेगा, मगर आप एक और बात पता लगा लीजिए। मैंने कहा क्या पता लगाऊं, कहते हैं 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, चुरू का यह युवा दब रहा है, कुचला जा रहा है। राहुल जी आप एक बात पता लगाइए, हिंदुस्तान की सरकार में आज कितनी नौकरियां खाली हैं, वो जो खाली हैं वो तो आप हमें दे दीजिए,
मैंने कहा बिल्कुल सही बात, मैं पता लगाता हूं। और चुरू के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, मैंने पता लगाया आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हिंदुस्तान में, और आज 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। आपने पूछा, मैंने जवाब पता लगाया, और मैं आपको स्टेज से गारंटी देना चाहता हूं, चूरू के युवाओं, हिंदुस्तान के युवाओं, मैं 2 करोड़ युवाओं की बात नहीं करूंगा, मगर 22 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में गारंटी करके 1 साल के अंदर दे दूंगा। पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, मैं 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवा दूंगा। अब जैसे मैंने किसानों की एक ऐतिहासिक बात कही, नया कानून, कर्जे के लिए आप जेल नहीं जा सकते, युवाओं के लिए भी हमने एक बात सोच के निकाली है। युवाओं ने हमें कहा, हम देश को रोजगार दिलवाना चाहते हैं, मगर जब भी हम बिजनेस खोलने की कोशिश करते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन? सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन। कौन से डिपार्टमेंट से? 10-15 डिपार्टमेंट से परमिशन लो। पहले एक डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पर परमिशन मांगो, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, वहां परमिशन मांगो, तीसरे में जाओ, परमिशन मांगो। 6-7 महीने लगते हैं, पता लगता है परमिशन परमिशन में ही बिजनेस ही नहीं खोल पाए। तो हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, चूरू के युवा 2019 के बाद आप अगर हिंदुस्तान में रोजगार पैदा करना चाहते हो, आप धंधा चालू करना चाहते हो, छोटा बिजनेस चलाना चाहते हो, तो सुनो, 2019 के चुनाव के बाद किसी भी युवा को, चूरू के युवा को, राजस्थान के युवा को, किसी और प्रदेश के युवा को, बिजनेस खोलने के लिए किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस खोलो, 20, 25, 30, 40 लोगों को रोजगार दो, बिजनेस चलाओ, और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा, जब आपके जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा, जब युवाओं को आपने रोजगार दे दिया होगा, 3 साल बाद आप सरकार के पास जाना, कहना मैं बिजनेस चलाता हूं, मैं चूरू का युवा हूं, राजस्थान का युवा हूं, मैंने हिंदुस्तान को 30-40 युवाओं को रोजगार दिया, अब मैं आपसे परमिशन चाहता हूं। 3 साल बाद आप जाके परमिशन ले लेना। स्वास्थ्य की बात थोड़ी करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में पूरा का पूरा बीमा का पैसा अनिल अंबानी की जेब में। अस्पताल जाना होता है, लाखों रुपए निकाल के दो। एमआरआई की जरूरत, एक्सरे की जरूरत, एमआरआई, एक्सरे, लाखों रुपए, हजारों रुपए पहले दो। ऑपरेशन की जरूरत होती है, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, लाखों रुपए दो। आपका पैसा हम सरकारी अस्पताल बनाने में डालेंगे। जो योजना राजस्थान में है वो योजना पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। आपको यहां मुफ्त में इलाज मिलता है, मुफ्त में आपको दवाई मिलती है, पूरे हिंदुस्तान में फ्री में दवाई मिलेगी और फ्री में इलाज करवाया जाएगा। और जो राजस्थान में, जो आपने पूरे देश को टूरिज्म का मतलब आपने समझाया, हिंदुस्तान को आपने टूरिज्म का मतलब सिखाया, पूरी दुनिया से लोग राजस्थान में आते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, टूरिज्म का सेंटर है ये राजस्थान। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि जो भी टूरिज्म के बिजनेसेस होंगे उन पर हम टैक्स कम करके आपको दे देंगे। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आप आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब यहां पे, हां आखिरी बात भूल गया, पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है, सुनिए, मजेदार नारा है, चौकीदार। ओह, ये तो आपने हिला दिया, चौकीदार, चौकीदार। चोर इसलिए है कि
जिसने राफेल हवाई जहाज का पैसा हिंदुस्तान की वायुसेना से छीना, 30,000 करोड़ रुपए वायुसेना से हिंदुस्तान के रक्षकों से नरेंद्र मोदी ने छीना और अनिल अंबानी को दिया। भूलिए मत राजस्थान की जनता, चौकीदार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।